बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजी सामईन व नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 4 अक्टूबर से सऊदी अरब के रहने वाले लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज से उम्रा शुरू हो गया है। तकरीबन 7 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा फिर से शुरू हुआ है। ये आप देख रहे हैं, पहला ग्रुप उम्रा अदा कर रहा है। सऊदी अरब की हुकूमत ने इसकी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस का एकदम पुख्ता इंतजाम सऊदी हुकूमत की तरफ से किया गया है। ये उम्रा का फर्स्ट फेस है जो 4 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा। पहले मरहले में हर दिन सिर्फ 6,000 के आसपास लोगों को ही उम्रा करने की परमिशन दी गई है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने उम्रा की तारीख और शेड्यूल बुक करने के लिए एक उम्रा अपॉइंटमेंट ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है इतमराना। इस मोबाइल ऐप के जरिए लाखों लोगों ने बुकिंग करने की कोशिश की, लेकिन फर्स्ट फेज के लिए सिर्फ 1,08,041 लोगों को ही उम्रा करने की परमिट दी गई। इनमें से 42,873 सऊदी अरब के सिटीजन्स हैं और 65,128 लोग वो हैं जो काम की वजह से सऊदी अरब में रहते हैं, उन लोगों को उम्रा करने की परमिट दी गई है। इन लोगों को शेड्यूल और टाइम टेबल के हिसाब से और हर दिन 6,000 के आसपास लोगों को उम्रा करने की एंट्री मिलेगी। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं वो लोग इस मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।